हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS का जनरल पेपर का टॉपिक देखेंगे, यानी कि जनरल पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, GP यानी कि जनरल पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं। आज इसमें कंप्यूटर का जो टॉपिक था, यानी कल आपको माइक्रोसॉफ्ट समझ में आ गया था, उससे पहले आपको बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया और फंडामेंटल ऑफ सिस्टम समझ में आ गया। ये तीनों चीज़ आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा है, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस तरह के क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं, जैसे कि मान के चलिए 100 चीज़ याद करोगे तब आपको दो चीज़ मिलेगी या फिर एक चीज़ मिलेगी। तो उसका है, आज का है कीबोर्ड शॉर्टकट CUT एंड देयर यूज़, यानी कि इस शॉर्टकट की का पता होना चाहिए, उनके यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ये आपको मैं एक तरह से PPT के तौर पे भी लेके चल सकता था, PPT के तौर पर इसलिए लेके चला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे आपको समझानी पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से जो ये कीज़ हैं, इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है जो बेसिक की है, जो आपके एग्ज़ाम में, यानी किसी भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में या फिर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और उनके फंक्शन और उनके यूज़ भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आती है बेसिक शॉर्टकट की, यानी कि बेसिक शॉर्टकट ये लिख रही है बेसिक SHORT शॉर्ट CUT कीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जो शॉर्टकट की आती है आपकी, वो आपको सबको पता होना चाहिए, Ctrl+A, यानी कि Ctrl+C TLAR Ctrl+A। ठीक है, और उससे पहले आपको कीबोर्ड का, यानी कि कीबोर्ड की एक पिक्चर भी पता होना चाहिए। तो पिक्चर का मैं एक मिनट पहले आपको पिक्चर ही दिखाता हूँ, क्योंकि उससे उसके बिना आपको कीबोर्ड का समझ में नहीं आएगा, यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन की, यानी कीज़ के बारे में जो चीज़ें हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आपको कीबोर्ड की इमेज और निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है कीबोर्ड की इमेज, यानी कि कीबोर्ड की इमेज, ये आपको सबने देखा भी होगा कीबोर्ड, तो सबने देखा है तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड के जो फंक्शन की हैं, जो नॉर्मल की हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे ऊपर होती है हमारी, ये तो है एक तरह से हेल्पिंग की मान के जाते हैं, एस्केप में हेल्पिंग की मान जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी फंक्शंस की, ये सारी की सारी आपकी हैं फंक्शंस की। ठीक है, ये है आपकी, यानी कि पुराने टाइम पे ये 9 भी हो सकती थी, यानी कि 9 भी होती थी और 6 भी होती थी। ये होती है नंबर की, जिसमें आपका नंबर लॉक लिखा होता है, जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी ये कौन सी की है, यानी कि ये सारी की सारी आपकी कीज़ हैं, जिसमें आपको ABCD सारे अल्फ़ाबेट मिलेंगे। ये टैब का बटन होता है, ठीक है, ये कैप्स लॉक का बटन होता है, ये शिफ्ट का बटन होता है, और ये होता है हमारा कंट्रोल का, और ये होता है हमारा विंडोज़ का बटन। ठीक है, इसे विंडोज़ का बटन कहते हैं, विंडोज़ का इस पर दिखाई रखा। ये एल्ट का बटन होता है, और एल्ट और कंट्रोल आपको दोनों तरफ मिलेंगे, इधर भी कंट्रोल मिलेगा, इधर भी कंट्रोल एल्ट मिलेगा, और इधर भी एल्ट और इधर कंट्रोल। ये शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट भी दो जगह मिलेगा। ये आपका एंटर का बटन है, और ये आपका, यानी कि बैक, मतलब कि कुछ भी आपको इरेज करना है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे वर्डिंग हैं। ठीक है, और इसमें इसलिए लिखा जाता है, जैसे आपने सोचा होगा ABCD डायरेक्ट क्यों लिखा जाता है, पहले का जो कीबोर्ड होता था, यानी कि जब कीबोर्ड की बना शुरुआत हुई तो उसमें ABCD EFGHI इस तरह ही लिखे जाते थे, पर कहीं ना कहीं जैसे कि हम मान के चलते हैं A हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप वर्डिंग में देखोगे, जैसे आप कोई भी वर्ड मान लीजिए लिखते हैं, जैसे किसी का नाम लेके चलते हैं, तो वो नंबर ऑफ सिचुएशन ये है कि ये जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन सबसे, उसके बाद ये यूज़ होती है, और उसके बाद ये यूज़ होती है, इसी हिसाब से ये लिखे गए हैं। तो आपने कंप्यूटर की इमेज देख ली, अब चलते हैं अपने किस पर, जो हम कीज़, यानी कि बेसिक की समझ रहे थे, आपको इसको दिमाग में रखना है और अपना
सब चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, चलिए कंट्रोल प्लस, अब आते हैं हम कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब ये होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, यानी कि कहीं भी हो, चाहे आप नोटपैड में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के में हो, चाहे वर्ड की फाइल में हो, एक्सेल के फाइल में हो, किसी में भी हो, चाहे जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट कमांड यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर कंट्रोल ए दबाओगे, यानी कंट्रोल ए दबाया आपने तो आपका क्या यूज़ हुआ, वहाँ पर वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब फिर उसके बाद आते हैं जो मेन आपके सबसे पहले उसी बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस क्या है, एस यानी कि एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट, कट सेलेक्ट आइटम। जैसे हमने कुछ भी आइटम को सेलेक्ट कर लिया, अब उसे हमें यहाँ से कट करना है, यानी कट मतलब हटाना है, हटा के कहीं और पेस्ट करना है, तो ये हो गया कंट्रोल प्लस एक्स, ये याद कर लेना कंट्रोल प्लस एक्स। फिर होता है कंट्रोल प्लस वी, यानी कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, जो देखो ये पहले हमने सामान सेलेक्ट किया, फिर हमने उस सामान को कट किया, फिर हमने कहीं और जाकर यानी कहीं और जाकर उसे पेस्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं कंट्रोल प्लस वी। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए क्या है। अब जो है अब आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस एस क्या है, कंट्रोल प्लस एस होता है सेव का, यानी कि सेव करने का। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करने का, यानी कि आपको कुछ चीज़ क्या ना पहले आपने सेलेक्ट कर ली, फिर आपको कट नहीं करने, आपको कॉपी करना है, तो इसके उसकी एक कॉपी बना के यानी कॉपी करना, तो कंट्रोल प्लस सी कर दो, कंट्रोल प्लस सी करा तो क्या हुआ, कॉपी बन गई। और कॉपी बनाने के बाद आपको करना है पेस्ट, तो यानी कि मान लीजिए आपने ए फाइल है, आपको बी फाइल में कॉपी करना था, यानी कि ए आइटम को सारा सेलेक्ट करा आपने, सेलेक्ट करने के बाद यानी कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट करा, अब आपको यहाँ से इस चीज़ को यानी इसमें कुछ भी एक्सेस नहीं करना, तो यानी क्या करोगे एक्स, यानी कंट्रोल एक्स करके क्या होगा, कट हो जाएगा, यहाँ से जितना भी लिखा हुआ है सारा का सारा उड़ जाएगा, और उड़ के आपको जब यहाँ पर बी फाइल में पेस्ट करोगे तो वो होता है कट कॉपी पेस्ट, कट आपने कट करा यानी कॉपी नहीं होगा, कट होगा। ठीक है, अब हमें कॉपी करना है, यानी कि मान लो हमें ये फाइल भी बना रखे रखनी है और इसके जैसी एक और फाइल बनानी है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद हम इसे कॉपी करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे, और कंट्रोल प्लस सी के बाद फिर हम कर देंगे कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ पर भी वैसे की वैसी फाइल बन गई। अब इन फाइल यानी इस फाइल को जो नई फाइल बनी है उसे सेव कैसे करें, तो उसका लिए होता है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस एक्स। अब आते हैं एक और चीज़ आपसे कभी कभी पूछ ली जाती, यानी कि पूछ ली जाती है, तो कंट्रोल प्लस होम, जो होम बटन आपको दिखाया था, होम उसका मतलब क्या होता है, टू बिगिन ए न्यू डॉक्यूमेंट, यानी सॉरी गो टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, document। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट देखो, अगर आप इसके ये मान के चलोगे कि शॉर्टकट की सारी आपको याद होनी चाहिए, तो शॉर्टकट की सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के एग्ज़ाम में हमें यानी कि जहाँ कंप्यूटर के एग्ज़ाम में भी इतनी कभी भी पूछी नहीं जाती, मेन जो पूछी जाती हैं वो यही हैं, ये आपको लिख लेनी है या फिर अपने कॉपी में या जिस जहाँ भी, जैसे आप लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसकी जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे लिख लो, उसकी कॉपी बना रखी है उस पर लिख लो, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो की आती है, यानी कि आपसे पूछा जाता, हाँ एक और पूछी जा सकती है, CTRL कंट्रोल प्लस पी, ये होते हैं प्रिंट के कमांड, PRINT कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो यानी कंट्रोल प्लस पी जो होती है किसकी कमांड होती है, प्रिंट की कमांड, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम एक जो कमांड होते हैं जो आपसे टास्क मैनेजर की कमांड भी पूछी जाए, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस एल्ट
प्लस डिलीट, यानी डिलीट बटन जो है वो आपकी होती है, यानी कि टास्क मैनेजर ऑन करने के लिए होता है। टास्क मैनेजर मान लीजिए आपका कंप्यूटर, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं और वो हैंग हो जाता है, तो हैंग होने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अब थोड़ी देर वेट करके अगर वो अपने उसमें यानी कि अपने पुराने माहौल में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट दबा कर, तीनों को एक साथ दबाकर टास्क मैनेजर ऑन कर लो। टास्क मैनेजर से जो चीज़ क्या नाम कंप्यूटर को हैवी लोड लेकर इस तरह कर रही है उसे बंद कर दो, ठीक है। प्रिंट की कमांड समझ में आ गई, यानी कि कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की कमांड होती है, ठीक है। अब आते हैं जो आपसे पूछा जाए कि ये आपको पता होना चाहिए, एक कमांड है आपकी एल्ट प्लस F4। ALT जो फंक्शन की ऊपर लिखी यानी ऊपर थी, तो उसमें क्या होगा, क्लोज द विंडो यानी क्लोज करंट विंडो, जिस पे भी आप करंट विंडो पे हो वो आपकी करंट विंडो को क्लोज करने के लिए होती है। रुके कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल लिखना है, अभी भी एल्ट लिख दिया मैंने, सी एल कंट्रोल प्लस F4, तो कंट्रोल प्लस F4 हो गया क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, ठीक है। ये आपसे पूछी जाती है, और कौन सी पूछी जाती है, और मैं आपको देखते हैं, और है आपकी जो कीज़ है, यानी कि इतनी कीज़ आपसे पूछी नहीं जाएंगी, जो आपसे पूछी जाएंगी वो ये मैक्सिमम आ जाती हैं आपकी। फिर आपको कंट्रोल ए, आपसे आपको पता चलेगा कंट्रोल ए किसके लिए यूज होता है, सेलेक्ट ऑल के लिए, यानी कि आप चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो यानी कि वर्ड में जो यूज़ होती हैं, MS VORD वर्ड शॉर्ट SHORT कट कीज़, यानी कि वो तो सब जगह यूज़ होने वाली थी और ये कहीं ना कहीं एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होती है। जो जो लिखवा दी है ये वो आपको मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा। तो यानी सबसे पहले आती है कंट्रोल ए, आपको पता चलेगा कंट्रोल बी, यानी कंट्रोल प्लस बी, अब इसके नीचे मैं कॉमा यानी कि एक तरह से रिपीट करते चल जाएंगे, कंट्रोल प्लस ई बी होता है बोल्ड के लिए, यानी कि बोल्ड हाइलाइट्स जो आपने, जैसे कि मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया और कुछ आइटम को उसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड हाई लाइटेड सेलेक्शन, ठीक है। कंट्रोल सी होता है आपका कॉपी करना, कंट्रोल एक्स होता है आपका काटना, कंट्रोल एन यानी कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, ओपन न्यू, ठीक है। कंट्रोल पी किसके लिए यूज़ होता है, प्रिंटर के लिए यानी कि प्रिंट के लिए। कंट्रोल एफ किसके लिए होता है, फाइंड बॉक्स, यानी कि आपसे कोई पूछे कि मुझे कुछ ढूंढना है तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए होता है, फाइंड बॉक्स। और ये आपका जैसे हम लाइब्रेरी में की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में जब आप किताब को यानी किताब की जब एंट्री करते हो किस में करते हो, एक्सेल में करते हो, और कंट्रोल एफ दबा कर ही यानी कंट्रोल एफ दबा कर जब हम CC का या फिर उसका एक्सेसर नंबर डालकर क्या करते हैं, एक्सेसर नंबर डाल के सर्च करते हैं या नाम डाल के सर्च करते हैं, तो वहाँ पर फाइंड बॉक्स का ही यूज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोल ये समझ में आ गया आपको, कंट्रोल आई यानी कि कंट्रोल आई किसके लिए, इटैलिक्स के लिए, कंट्रोल के इंसर्ट इंक के लिए, यानी कि और जो आपका पूछा जाता है कंट्रोल यू पूछा जाता है, यू कंट्रोल यू का पूछा जाता है, तो अंडरलाइन के लिए। हाँ एक मिनट मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ये आपका था मेन, इसमें लिखिए ये आपका जेड, तो ये किसके लिए होता है, अंडो के लिए, UNDO अंडो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस जेड, अंडो का मतलब ये है जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, और काम करते करते आपको ये लगा कि ये गलत हो गया, मुझे पुराना ही काम चाहिए, तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे, यानी कि वो क्या होगा, अंडो का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आपने लिख दिया लिखना था आपको प्रिंटर, ठीक है, प्रिंट, और लिख दिया आपने प्रिंटर, तो आप क्या करोगे उसे एकदम क्या करोगे, इरेज करने की जगह आप उसे कर दो अंडो, जैसे ही आप कंट्रोल पर जेड अंडो दबाओगे तो आपका
दोबारा एक तरह से जहाँ पर थी यानी लास्ट जो भी चीज़ थी वहाँ पर आ जाओगे आप, फिर अपना वो लिख सकते हो। तो ये आपको ये वाली कमांड, ये कमांड भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ गए थे हम, कहाँ पर आ गए थे, कंट्रोल प्लस यू। अब कंट्रोल प्लस यू तक आ गए हम, कंट्रोल प्लस वी तो आपको पता ही है पेस्ट की है, कंट्रोल प्लस जेड आपको बता दी अंडू की है। ये आगे चलते 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 आपका कंट्रोल प्लस जो जे है वो है जस्टिफिकेशन की, यानी कि पैराग्राफ जस्टिफिकेशन की कमांड है। कंट्रोल प्लस आपकी कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे किसकी है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है पैराग्राफ जस्टिफिकेशन का, जब आप ये मान के चलिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें गलती या फिर कुछ भी इधर उधर जो अरेंज हो रहा है तो वो जस्टिफिकेशन करके आपको दिखा देगा, तो वो हो जाता है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, आपको जो आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट में पूछी जाती हैं, फॉन्ट को चेंज करने के लिए कमांड है या फिर इस तरह की कमांड है, वो और सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती या फिर इधर उधर की फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो आपको वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि आप ये सोचोगे कि लिखवाओ या फिर इस तरह से बता नहीं रहे। देखो बताने का कोई रीज़न नहीं, यानी कि आपको एक कंट्रोल एस बता चुका हूँ मैं, कंट्रोल एस एक कमांड कंट्रोल एस है वो इम्पोर्टेंट है। अब क्लोज विंडो की और कमांड लिख लो, यानी कि कंट्रोल टी आर एल कंट्रोल प्लस डब्लू, ये क्लोज डॉक्यूमेंट डी ओ सी यू एम ई एन टी। ठीक है, ये आपकी ये पूछी जा सकती है। F1 जो होती है हेल्प की कमांड होती है, HELP हेल्प की कमांड है। ठीक है, F4 आपको बताई दी मैंने, आपको सारी कमांड ये आपको बताई दी। एक्सेल अब आ जाती है, एक्सेल की कमांड, यानी कि एक्सेल की कमांड आती है MS Excel की, MS Excel की कमांड आती है MS Excel। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वही बताता हूँ। देखो एक्सेल में सबसे पहले आती है F2, यानी कि F2 किसकी कमांड है, एड द सेलेक्ट सेल, जो आप सेलेक्ट करोगे उसके बारे में, सेलेक्टेड सेल। देखो ये आपका एक्सेल है, एक्सेल किस तरह का होता है, इस तरह की होती है कि नहीं, ठीक है, ये आपका दिख रहा है। तो इसमें बताओ रो कौन सी और कॉलम कौन से है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। देखो ये जो है ये खड़ा, यानी कि इधर से इधर करेंगे तो क्या होगा, रो की कॉलम होगा, रो इधर से इधर होगी या फिर इधर से इधर होगी। आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कोई, चलो मैं ये पूछने लगूँ कि रो क्या है कॉलम क्या है, ठीक है, ये बताओ कि एक्सेल में रो क्या है कॉलम क्या है। अब आप बताओ, बहुत सारे बच्चों को रो और कॉलम ही नहीं पता होगा, यानी कि रो और जो कॉलम है उसमें डिफरेंस करना आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होती है कॉलम क्या होता है। अब रो और जो कॉलम है, रो और कॉलम है, अब इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि रो और कॉलम क्या है, यानी कि जो खड़ा है वो क्या है और जो इधर से लेटा हुआ है वो क्या है। देखो रो का मतलब क्या, देखो कॉलम का मतलब क्या होता है, जब आप कॉलम की बात करते हैं, ये क्या है कॉलम, जैसे आपने बात करी ये इधर से लेकर इधर तक, यानी कि इधर से लेकर इधर तक क्या होता है कॉलम, ठीक है, और इधर से यानी कि नीचे की तरफ को लेकर चलते हैं वो होते हैं रो। ठीक है, कॉलम और रो आपसे अगर ये जो यानी कि मान के चलिए ये होता है आपके CO कॉलम और ये होता है रो, ठीक है, यही तो है आपका रो और कॉलम, यानी कि आपसे पूछा जाए इधर क्या है तो ये है रो और इधर क्या है कॉलम, यार जो पूरी एक यानी कि यहाँ पर देखा होगा आपने इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये होती वर्कशीट। ठीक है, रो और कॉलम आपको समझ में आ गया कि रो क्या है कॉलम क्या है ये समझ में आ गई, और हॉरिजॉन्टल और इसमें वर्टिकल भी होते हैं, यानी कि अगर इधर की तरफ लेके चले तो कॉलम इन रनिंग इन वर्टिकल, यानी कि इधर की तरफ, और जो कॉलम रो रनिंग इन हॉरिजॉन्टल, यानी कि रो रनिंग इन हॉरिजॉन्टल, ये सब चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत ये एक्सेल का भी ज्ञान होना चाहिए आपसे पूछने लगे तो कोई भी। ठीक है, फिर आते जैसे इसमें लिखा होता है ABCD इस तरह के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये जो ऊपर वाला है
वो है कॉलम, यानी कि ए बी सी डी क्या हैं, ये सारे कॉलम हैं। जैसे ए, और इधर क्या है, इधर 1 2 3 होते हैं, इधर क्या होते हैं, इसका आप अगर पूछा जाए, अगर आपसे नंबर आता है तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, बी यानी कि ए 1 लिखा जाएगा। ये होता है एक सेल, ये क्या है, एक सेल है, पूरा का पूरा सेल है। अगर आपसे पूछूं मैं, आप किसी भी आइडेंटिफायर को लेकर चलें, अगर किसी डब्बे को आइडेंटिफाई करना है, मैं कहूँ कि ये बताओ E5 कहाँ है, E5 कहाँ है, अब E5 कहाँ है, ये लाइन हो गई E, और पांचवा डब्बा कौन सा हो गया, यानी कि एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा, पांचवा डब्बा, तो इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि E5, ठीक है। तो यानी कि E5 आपको इस तरह से समझ में आ गई, यही कहानी समझ में आ गई, थोड़ी सी, थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी, यानी कि इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लिखवाने की जगह, यानी कि एक तरह से पूरी पूरी PPT देने की जगह, यानी कि ये सब चीज़ें तो बनी हुई हैं, आपने जब KVS का एग्ज़ाम देखा होगा तब भी मैं आपको उसी तरह से पढ़ाया था, पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपनी क्रिएट, यानी क्रिएट चार्ट के लिए। अगर आपको क्रिएट चार्ट बनाना तो Ctrl 11, यानी क्रिएट CHART चार्ट, ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। आपसे और क्या पूछा जा सकता है, डेट के लिए पूछा जा सकता है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अगर आपसे न्यू वर्कशीट के लिए पूछा जाए तो एल्ट प्लस शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट वाली जो की है, शिफ्ट प्लस F1, इससे क्या होगा आपका, इंसर्ट न्यू वर्क शीट, ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ये सारे आपको आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि ओपन द एक्सेल ऑफ फॉर्मूला विंडो, यानी कि फॉर्मूला जो विंडो होती है उसके लिए क्या यूज़ होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है शिफ्ट प्लस F3 इजिकल टू, यानी कि क्या होगा, ओपन द एक्सेल फॉर मूला विंडो, ठीक है, ये आपका हो गया। ये और जो चीज़ें हैं, Ctrl+C है, Ctrl+V है, ये सब चीज़ें वैसे के वैसे ही यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि Ctrl+F किस लिए होता है, तो यहाँ पर भी Ctrl+F क्या होता है, फाइंडिंग के लिए, या फिर फाइंड करके किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, कंट्रोल यूज़ आपको समझ में आ गया, ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आगे चलते हैं। Ctrl+N आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+P क्या नाम प्रिंट करने के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए, Ctrl+Z किसके लिए, अंडू करने के लिए, लास्ट एक्शन के लिए, कंट्रोल, आगे चलते हैं, जो और पूछा जा सकता है आपसे, देखिए आगे जो डेट वेट के हैं वो इतना क्या नाम डीपली पूछे जाते हैं, जब आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे वो तब पूछे जाते हैं, ठीक है, चलते हैं और अब देखते हैं और कौन से पूछे जाते हैं। यानी कि ये मेज़र जो हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, यानी कि मेनली आपको पता होना चाहिए, एक तो एक्सेल के पूछे जाते हैं, एक इधर के पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, जो कमांड्स हैं वो सारी पूछी जाती है, जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है Ctrl+Z, Ctrl+Z किसके लिए, और क्योंकि Ctrl+Z जो है नॉर्मली सबको पता नहीं होता, तो इसलिए वो पूछा जाता है। जैसे आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, जैसे मान के चलते हैं आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और उसमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड हो, तो सबसे पहले जो भी इंटरव्यूअर होगा वो यही पूछेगा, क्योंकि Ctrl+Z बच्चों को एक तरह से दिमाग से स्लिप रहता है, तो वही यही पूछेगा Ctrl+Z किसका है, तो Ctrl+Z किसका है, अंडू का है। जैसे भी ये मान के चलिए मैंने भी एक बार इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर मेरे को भी याद एक तरह से दिमाग से स्लिप हो गया था, बल्कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद, यानी कि एक तरह से डिप्लोमा या इस तरह की चीज़ें करने के बाद भी दिमाग से स्लिप होगा, क्यों, क्योंकि जो Ctrl+Z है भाई उस तरह दिमाग नहीं चलता। जब आप करंटली किसी भी इंटरव्यू में फेस करोगे, अगर आप वहीं पर हो और अपनी मेमोरीज को लेकर बैठे हो तब तो चल जाएगा, नहीं तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें ये है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन करेंगे तब आपको, और मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कमांड या फिर कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया।
कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर दो, कमेंट से आप पूछ लो, और कोई ना कहीं आपको कमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।